ओम शांति जरूर लिखिएगा और वीडियो को। दुखद भरी खबर इस समय की जम्मू से सामने आ रही है। यहां पर आपको बताने चलें कि एक नौजवान युवक का शव जो है वो बोरी में बंधा हुआ जो है मिला है। और बता दें कि ये युवक का शव जो है वो लगभग 24 से 25 किलो की जो सोने, माफ कीजिएगा, जो लोहे की जंजीर थी उसके साथ जो है वो इसे बोरी के अंदर बांधा गया था। और बताया ये भी जा रहा है कि मुंह पर जो है वो इसके टेप लगाई गई थी और ऐसे में बोरी के अंदर से ये शव जो है पाया गया है। और जिसके चलते पुलिस ने फिलहाल इस शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी है। आप सब लोगों से मेरी अपील रहेगी कि जनाब जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि युवक की उम्र जो है वो लगभग 20 से 25 साल के करीब, ऐसा लगता है कि वो उसकी उम्र जो है 20 से 25 साल के करीब होगी और ऐसे में अभी तक उसकी कोई भी किस तरह की पहचान जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन अगर आप एक शेयर करते हैं तो इस युवक के बारे में जो है पता लग सकता है कि आखिरकार ये युवक जो है वो कहाँ के रहने वाला है और आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ है। जम्मू से एक दुखद भरी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बता दे चले कि चिनाब किनारे से जो है वो जंजीर से बंधा युवक का शव जो है वो बरामद किया गया है और पता ऐसा लग रहा है, शक किस तरह का जताया जा रहा है कि इस युवक की जो है वो हत्या की गई है। हालांकि मामला जो है वो जांच से जुड़ा है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आपको बताने चले कि जम्मू के गरोटा के मथवार ब्लॉक के एक तुंग बगानी इलाके में जो है वो चिनाब दरिया के किनारे जो है वो ये एक जंजीर से बंधा युवक का शव जो है वो बरामद हुआ है और जंजीर का बार लगभग 25 से 30 किलो के करीब जो हुआ है। और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि जो युवक की जो उम्र है वो जो है वो 20 से 25 साल के करीब है और शव जो है वो काफी दिन पुराना है। और ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन जो गरोटा थाने के SHO हैं वो जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली है तो वो मौके पर पहुंचे हैं और इस शव को फिलहाल उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। और उसके बाद शव को जो है वो GMC जम्मू के मॉर्चरी में वहां पर लाया गया है ताकि जल्द से जल्द आगे की जो कार्रवाई है वो की जा सके और पता चल सके कि आखिरकार इस युवक के साथ ऐसा क्या हुआ है। वहीं आपको बताने चले कि पुलिस के मुताबिक जो है वो इस ये युवक का जिस इलाके से इसका शव जो है बरामद हुआ है उस इलाके का जो है वो नहीं लगता है। और ऐसा लगता है कि पिछले काफी दिनों से हुई बारिश में जो है वो शव किसी और जगह से बहकर यहाँ पर आया हुआ है। और शव को देखकर जो है वो ऐसा लगता है कि युवक की जो है वो हत्या की गई है और उसे जंजीर से बांधा गया था और 25 से 30 किलो भारा जो बाली जंजीर थी लोहे की उसके साथ इसे डुबाने की कोशिश की गई होगी। हालांकि अभी पुलिस भी इस पर जो है वो अलग अलग एंगल से इस मामले को देखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जम्मू के गरोटा के मथवार से इस समय की ये कहें कि दिल को दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक नौजवान युवक जिसकी उम्र 20 से 25 साल के करीब है उसका शव जो है वो लोहे की जंजीर के साथ बांधा हुआ पाया गया और बोरी के अंदर उस शव को वहां पर एक जैकेट में जो है वो लपेट कर वहां पर रखा गया था और ऊपर से जंजीर के साथ बांधा गया था। मुंह पर जो है वो टेपें वगैरह लगाई गई थी। ना जाने इस पूरे मामले के पीछे की क्या कुछ वजह है, लेकिन काफी ज्यादा हैरानगी है कि आखिरकार जनाब ये जम्मू में क्या होने लगा है और किस तरह का एक अजीबोगरीब, ये कहीं के पैरों तले से जमीन को खिसका देने वाला ये मामला जो है वो जम्मू के गरोटा इलाके से सामने आया है कि एक 20 से 25 साल की उम्र का युवक जिसका शव जो है वो बोरी के अंदर बांधा हुआ पाया गया है, लगभग 20 से 25 किलो की लोहे की जंजीर के साथ उसे बांधा गया था। और बताया ये जा रहा है कि उसकी जो मुंह था उस पर जो है वो टेप लगाई गई थी और जैकेट में उसे जो है वो पहले लपेटा गया था और उसके बाद उसे जो है बोरी में डाला गया था। गरोटा इलाके से ये एक वाक्य जो है वो सामने आया। यहाँ पर शव जो है वो बोरी में बंधा हुआ बरामद किया गया है और उसके शव को चिनाब से बरामद किया गया और पुलिस ने शव को अस्पताल में पहुंचाकर जो है वो आगे की कार्रवाई जो है वो फिलहाल शुरू कर दिया। लेकिन जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि लोगों को दिन को जो है वो लोगों से जो है वो चिनाब दरिया में एक बोरी में जो है वो शव को वहां पर पड़े देखा है और इसकी जानकारी पुलिस को दिया है। और सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस शव को अपने कब्जे में लिया है और उसके पास से ऐसा कुछ बरामद फिलहाल नहीं हुआ है कि जिससे उसकी जो है पहचान की जा सके। ऐसे में तमाम लोगों से कहेंगे कि जनाब अगर आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेहरबानी करके इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस युवक के बारे में पता चल सके कि आखिरकार इस युवक के साथ ऐसा क्या हुआ है। उसके शव को फिलहाल जैकेट में जो है पैक करके बोरी में बांधा गया था और उसके मुंह पर टेप भी जो है वो लगाई गई थी और जिससे साफ है कि उसकी जो है वो हत्या की गई है। लेकिन पुलिस फिलहाल मामले की जांच जो है वो काफी ज्यादा ये कहें कि गंभीरता से करने में लगी हुई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस युवक के साथ ऐसा क्या हुआ है। लेकिन जनाब जम्मू से एक अपने आप में ये कहें कि जम्मू कश्मीर से अपने आप में पहली बार ऐसा मामला जो है वो सामने आया। यहाँ पर एक युवक का शव जो है वो बोरी के अंदर बंधा हुआ पाया गया है और उसको सबसे पहले तो बताया ये जा रहा है कि वो जो है वो जैकेट में उसे लपेटा गया था और उसके बाद उसे लोहे की जो संगल थी
उसके साथ यानी कि जो लोहे की जंजीर थी 20 से 25 किलो के करीब किलो की ये वो बताई जा रही है जंजीर लोहे की, और उसके साथ उसे बांधा गया था ताकि ये जो है उसे दबाया जा सके। लेकिन ऐसे में मामला जो है वो अभी ग्रोटा पुलिस थाने में है और पुलिस इस पूरे मामले की जो है वो अलग अलग एंगल से इसको देख रही है कि आखिरकार ये कैसे जो है वो हुआ होगा। लेकिन काफी ज्यादा हैरान करने वाला मामला है और आप सब लोगों से कहेंगे क्योंकि युवक के बारे में अभी तक कोई भी किस तरह का पता जो है वो नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये युवक कहाँ का रहने वाला है। लेकिन इतना जरूर इसका ये देखने में ऐसा लगता है कि इसकी उम्र जो है वो लगभग 20 से 25 साल के करीब होगी और इसके साथ ये जो भी हुआ है ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। पुलिस से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए और जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने आनी चाहिए। और वाकई में अगर लगता है कि इस युवक के साथ ये गलत हुआ है, इसकी कुछ हत्या वगैरह कुछ की गई है, तो जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और सबसे पहले तो आप लोगों से कहेंगे क्योंकि युवक के बारे में पता जो है वो नहीं चला है और ऐसे में आप सब लोगों की इस समय जो है बहुत जरूरत है, वीडियो को शेयर भी करें और आत्मा की शांति के लिए दुआ भी जरूर कीजिएगा क्योंकि अभी तक इस युवक के बारे में कोई भी पता जो है वो नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये युवक कहाँ का रहने वाला है। और ऐसा लगता है देखने में कि ये शव जो है वो काफी दिनों जो है पुराना है और बहकर यहाँ पर पहुंचा हुआ है क्योंकि एक बोरी के अंदर से इसे पाया गया है और मुंह पर टेप लगाई गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इसे मुंह पर टेप लगाई गई थी और उसी के साथ साथ लोहे की जंजीर के साथ इसे बांधा गया था। वो लोहे की जंजीर कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 20 से 25 किलो के करीब का जिसका वजन है उसके साथ उसे बांधा गया था और उसके साथ साथ जो है वो जैकेट में उसे लपेटकर बोरी में डालकर जो है वो उसे इस तरह से जो है फेंक दिया गया था। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आखिरकार 370 हटने के बाद क्या जम्मू कश्मीर बदल रहा है या फिर नहीं बदल रहा है। फिलहाल आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा और माता रानी के आगे, वाहेगुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे दुआ करें कि इस युवक की आत्मा को शांति मिले। और आप सब लोगों से लास्ट में एक बार फिर से अपील है कि वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस युवक के परिजनों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर किसी भी थाने में कोई मिसिंग कंप्लेंट या कुछ भी हो तो ताकि परिवार जो है वो इस युवक को जो है पहचान सके। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।